हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन एमईएस हिस्ट्री द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। वी आर हियर टू एनालाइज व्हाट मे बी द कट ऑफ ऑफ लेखपाल मेंस एग्जाम, जो कि आज ही हुआ है। और इसका एनालिसिस जो है, वेरियस जो सोर्स हैं, जैसे टेलीग्राम पे आप सबके रिस्पांस सबसे बड़ा जो सोर्स है, इसके अलावा पेपर मैंने भी जो है देखा, और मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, तो उस बेसिस पे। इसके अलावा जो यूपी ट्रिपल एससी का नेचर रहा है अभी तक का कटाप का, जैसे वो पेपर सेटअप करता है, उस हिसाब से जो अभी तक रही है उसकी कटाप की हिस्ट्री, वो सारी चीज़ों को लेकर जो है एनालाइज किया गया है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, और उसके बाद जो भी आपका रिएक्शन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपनी राय। आइए देखते हैं इस एनालिसिस जो मैंने हल्का सा किया, वो पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। ये देखिए, राजस्व लेखपाल का था जो 2015 में एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद जो फाइनल इसका इंटरव्यू हुआ था 20 नंबर का, जिसके बाद कट ऑफ आप मान सकते हैं, इसका रिलीज नहीं किया गया था, आप मान सकते हैं 66-70 रहा होगा, मीन्स अप्रॉक्स 70%। ये पेपर थोड़ा टफ था चकबंदी लेखपाल का। ये जो राजस्व लेखपाल था, चकबंदी लेखपाल का जो कट ऑफ फाइनल गई थी, उसका पता चला था कि जनरल का 52 है और ओबीसी का जो है ये 48 था, ऐसे एससी का 44 था और एसटी का 42 था। लेकिन ये एक्सेप्शन इसलिए था क्योंकि इसमें पेपर टफ आया था, और 2015 से 2020 तक काफ़ी कुछ चेंज भी हो चुका है। इसके बाद 2019 में हुआ था लोअर पीसीएस, जो प्री हुआ था 2019 में, इसका कट ऑफ गया था 206 नंबर 300 में। हालांकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, तो 206 नंबर था। इसके अलावा जब मेंस हुआ तो मेंस का कटाप भी आप लोग को देखे होंगे, ये 299 गया था 400 में, ठीक है। पीईटी का स्कोर आप लोग को पता होगा, 200,000 लोग पास किए गए थे, इसका कटाप लगभग 62 था, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो इसमें नोट डाउन नहीं किए गए हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट है, ट्यूबल ऑपरेटर है, ठीक है। तो ऐसे अदर एग्ज़ाम्स जो हैं, आप उनका भी एक एनालाइज करेंगे, तो एक आप मोटे तौर पे ये देख सकते हैं कि जो यूपी ट्रिपल एससी का जो कट ऑफ जाता है वो अप्रॉक्स 70% के जाता है। लेकिन इसी बात से हमें बायस नहीं हो जाना है। जैसे आप देखे होंगे यूडीए एलडीए का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यूडीए के लिए जो है जो कट ऑफ गई थी वो 86.17 थी, तो ये 70% तो नहीं है, तो एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है। लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है, सीट कितनी है, ठीक है। लेखपाल की वैकेंसी में हम सबको पता है कि जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 8,000 के अप्रॉक्स हैं, ठीक। जबकि वहीं यूडीए एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर की बात करें तो उसमें केवल 76 थी, तो अब यहाँ वैकेंसी कम थी, इसलिए स्वाभाविक है कि जो कट ऑफ रहेगा वो हाई रहेगा। इसलिए लेखपाल के लिए 8,000 पोस्ट थी, ठीक है, उसके लिए जहाँ कट ऑफ गई थी 62 के अप्रॉक्स, वहीं जब केवल 76 थी, जो है 76 पोस्ट थी, उसके लिए कट ऑफ सोचिए 86 चली गई, तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जब हम इसका कट ऑफ एनालाइज कर रहे हैं तो ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी हैं। अब बात आती है कि लेवल ऑफ पेपर कैसा था। अभी तक जितने भी रिस्पॉन्ड मिले हैं स्टूडेंट्स से, उनमें सबके द्वारा ये है कि हिंदी में अप्रॉक्स 23-22 हो जा रहा है, ठीक है, तो आप 22 अप्रॉक्स मान लेते हैं। मैथ में एवरेज में 20, और इसके अलावा जो जीएस, ऐसे आप जीएस में मान सकते हैं 18 के अप्रॉक्स, और जो ग्रामीण परिवेश था उसमें योजनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो इसमें आप एवरेज में, ये एवरेज मार्किंग है, ठीक है, ये एवरेज मार्किंग, तो इस हिसाब से आप काउंट करें 76 आ रहा है, ठीक है, एक जनरल व्यू से। मीन्स आप इसमें माइनस करेंगे तो 70 के अप्रॉक्स इसमें अभी तक देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ें कंसीडर करते हुए हमें और भी कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें एक फैक्टर था एग्ज़ाम का लेबल। देखिए, एग्ज़ाम का लेबल की बात करें तो एग्ज़ाम में जो आपका हिंदी था, ठीक है, ये मोस्टली लोग इजी कह रहे हैं, इसमें लगभग 22 से 24 25 तक लोग स्कोर किए हैं, ठीक है। ऐसे मैथ था, मैथ जो है इजी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये मॉडरेट थी, ठीक। इसके बाद जो आपका
जीएस था, ये आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ मॉडरेट थे। और जो आपका ग्रामीण परिवेश था, ये आप मॉडरेट टू कह सकते हैं, टफ। इसका रीजन ये है क्योंकि किसी ने इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था। देखिए, कोई भी था वो बता रहा था कि मतलब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग भी जाएंगे तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए तो देखें बहुत सारे क्वेश्चन योजना से आए थे, तो लोग उस लेवल पे तैयार कहीं ना कहीं नहीं थे। हालांकि ऑप्शन जो दिए गए थे उसके कारण जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन बन गए, है ना, क्योंकि जो ऑप्शन दिए थे उससे जो है आंसर निकल आ रहा था। जो क्वेश्चन एकदम फैक्चुअल थे उनमें जो है दिक्कत हुई लोगों को, लेकिन मोस्टली जो है क्वेश्चन पढ़ के आंसर बन जा रहे थे। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा भी है कि 16 नंबर का एवरेज लगभग, ठीक है। और ये जो एवरेज हमने लिया है, ये जो है लिया गया है ये जो कट ऑफ के अंदर आएंगे। अब कट ऑफ के अंदर कितने बच्चे आएंगे ये भी देख लेते हैं हम लोग। इसके अंदर आने के कितने बच्चे आएंगे, कितने कैंडिडेट्स आएंगे, इसके लिए ये भी देखना पड़ेगा कितने बच्चे एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए और कितने लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिए। ठीक है, हमें मतलब मोस्टली बच्चों से यही रिस्पांस मिला कि बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं छोड़ा, लेकिन अगर 2 लाख है लगभग, तो 2 लाख में अगर 10% के लगभग भी छोड़ रहे हैं तो बच्चे जो है आप कह सकते हैं कि छोड़ेंगे। जैसे UDA LDA में आप लोगों को पता है 2116 लोग जो है क्वालिफाई हुए थे, बट फाइनली एग्ज़ाम दिए थे लगभग 1550 के। ठीक है, तो आप इसमें भी बच्चे यही कर रहे थे कि इसमें नहीं मतलब बहुत कम ही बच्चे छोड़े हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 30% बच्चों ने छोड़ा हुआ एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग रहे जिनका इसी दौरान कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया, जैसे UBPCS में या RO का आया उसमें हुआ है, UDA LDA या अदर बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जैसे RRB में, SI में, CGL में, CHSL में, यहाँ कुल कहीं ना कहीं सिलेक्शन इधर हुआ या पहले से सिलेक्टेड थे वो केवल जो ग्रेड पे बढ़ाने के लिए, जैसे ये कहा जा रहा था कि लोअर PCS वगैरह की वैकेंसी इसी से आएगी, तो काफ़ी लोग उसके लिए है ना किए थे, फॉर्म फिल किए थे। और इस बीच में जैसे आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का जो है फाइनल जजमेंट आ गया। ठीक है, तो इसका फाइनल जजमेंट आया, इसमें भी जो टोटल लगभग 400-500 लोग थे ये भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं किए, और ये लोग आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं इसमें उनके मार्क्स अच्छे आ सकते थे अगर उनमें थे कुछ को छोड़ दिया जाए तो। मीन्स ये सब ऐसे फैक्टर हैं जो आपके कट ऑफ को ये दिखाते हैं कि हाँ डाउन हो सकती है। अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, जैसे आपने लोअर PCS में देखा था, अभी लोअर PCS की एक कट ऑफ आई है, जो कट ऑफ आई थी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रॉपर कट ऑफ निकाली जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में जो जिनका रोल नंबर निकलेगा वही फाइनल माने जाएंगे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है प्रॉक्स 2.5 गुना। ठीक है, तो 8,000 का 2.5 गुना आप करेंगे तो लगभग 20,000। ठीक है, तो 20,000 लोग पास होंगे। अब 20,000 लोग पास होंगे लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या 20,000 लोग कराते हैं या नहीं कराते हैं, ये भी संख्या घट सकती है। ठीक है, तो जो फाइनल कट ऑफ है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा DB के बाद, वो यहाँ पे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उसमें ये रिजल्ट कब तक आता है उसमें बहुत सारी कंडीशन रहेंगी, कितने लोग DV कराए हैं कितने लोग नहीं कराए हैं, तो उस वो वेरी हो सकता है। अभी हम बात करेंगे कि अभी जितना एनालिसिस किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है वो यहाँ पे बताया जा रहा है, और ये कट ऑफ बताया जा रहा है अप्रॉक्स जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे अप्रॉक्स 20,000 लोग, उस हिसाब से बताया जा रहा है। ठीक है, जनरल की कट ऑफ वो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने एनालिसिस किया है वो 72 से 75 जो है जा सकती है, 72 से 75। ठीक है, और EWS की कट ऑफ जो जाएगी वो 70 से 72, और OBC की जो जाएगी वो भी आपकी यही रहेगी 72 से 75 के अप्रॉक्स। इसके अलावा SC की जो कट ऑफ रहेगी वो आप 65 से 68 के बीच में मान सकते हैं,
और एसटी की आप 58 से 61 के बीच में मान सकते हैं। ये तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो गया, इसके अलावा वर्टिकल रिजर्वेशन भी होता है। तो इसमें अभी मेरे पास इतना सफिशियंट डेटा है नहीं कि मैं उस हिसाब से एनालाइज कर पाऊँ। जो मैंने मोटे तौर पर किया तो इसी के अराउंड जो है इनका भी कट ऑफ रहता है, आप लोग को पता होगा। बहुत सारे आपने अगर अभी तक रिजल्ट देखे हों वर्टिकल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी, तो जैसे पीटी में महिलाओं का थोड़ा ज़्यादा चला गया था, है ना, तो वैसा थोड़ा बहुत सिनारियो देखने को मिल सकता है यहाँ भी। लेकिन मोटे तौर पर अगर आपके इसके आसपास नंबर बन रहे हैं, ठीक है, जैसे 74-75 बन रहा है, तो अभी के लिए आप अपने को सेफ मान सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मेरा एनालाइज मेरा ओपिनियन है। ठीक है, मैंने जितना एनालिसिस किया, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपनी राय। ठीक है, आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा है, और अगर मैं किसी फैक्टर्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ आप लोगों के अकॉर्डिंग, तो उसको भी मुझे याद दिलाइएगा। ठीक है, साथ में आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर अभी आपके आगे भी एग्ज़ाम हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, और यहाँ आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल जो कंटेंट होते हैं वो आपको मिल जाएगा, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जैसे उत्कर्ष का करंट अफेयर है जनवरी से जुलाई तक, या पिछले साल वाला था वो, या बहुत सारे जीके के जो है बूस्टअप जो है पीडीएफ, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इसे भी आप ज्वाइन कीजिए, और यहाँ अगर आपको कोई विशेष कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं मुझसे। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।